नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको मैथ्स के बेसिक्स का पार्ट टू बताने जा रहे हैं। जो वीडियो कल अपलोड हुई थी उसका सेकंड पार्ट ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर लिखा होता है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसका एग्जाम्पल समझाना चाहें तो इसमें पहली चीज क्या लिखी है? 2x, तो 2x का स्क्वायर। दूसरी चीज क्या लिखी है? 3y, तो 3y का स्क्वायर। प्लस 2 × पहली वाली चीज यानी कि 2x और दूसरी वाली चीज यानी कि 3y। अगर हम अब ओपन करें, मैं ये सवाल क्यों ले रहा हूं, बहुत इजी है ना, इसलिए हम इस सवाल को थोड़ा अलग तरीके से समझना चाहते हैं। जो बच्चे गलती करते हैं उससे आपको आगे निकलना है। 2 का b² होगा। 2 का स्क्वायर कितना? 4। x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। y का b² होगा, यानी 3 का भी होगा y का भी होगा। प्लस नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy, ये आपका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से इसका एग्जाम्पल समझाने के लिए अगर मैं आपसे कह दूं 101 का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम 100 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 100 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 100 × 1। इस तरीके से 100 का स्क्वायर मतलब 100 को 2 बार लिखना है, यानी जो 2 जीरो है इनको 2 बार और लिखना है, यानी 4 बना देना है। और +1 + 2 का 100 में मल्टीप्लाई, 200। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 1 0 1, ये तीनों ऐड होके 1, फिर 0, फिर 2, फिर वो एक और 0, फिर 1, ये आंसर हो जाता है आपका। अब हमारे पास दिया गया है a - b का होल ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। इसका भी एग्जांपल हम लोग कुछ उसी तरीके से समझते हैं। 3x - 2y का होल ऑफ स्क्वायर। पहले हम लोग 3x का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं, 2y का होल ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस लगा के 2 × पहली वाली चीज 2x, दूसरी वाली चीज 2y। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9x², 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4y², और 2 3 = 6, 6 2 = 12xy, ये आपका आंसर आ जाता है। अगर हम यहीं पर लिख लें 99 का होल ऑफ स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 100 में से 1 गया, 99 बचा। 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर - 2 × 1 × 100। अब अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं, 100 को 2 बार लिखना है, यानी कि 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ 2 का 100 में गुणा 200 आ जाएगा, यह आपका हो जाएगा 1 1 - 200। इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास लिखा है a + b का होल ऑफ क्यूब। अगर a + b का होल ऑफ क्यूब को हमको करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले नंबर पे लिख लेते हैं a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में a + b। इस तरीके से एक एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं, 2x + 3y का होल ऑफ क्यूब। तो पहले 2x³ आएगा प्लस 3y का होल ऑफ क्यूब आएगा प्लस 3, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y आएगा, ब्रैकेट में a + b, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, ऐसे लिखा है। यहाँ पर 2 का क्यूब होगा, तो 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8x³। यहाँ 3 का क्यूब होगा, 3 3 = 9, 3 3 = 20, 7y³। यहाँ पे 3 2 = 6, 6 3 = 18, xy, और यहाँ ब्रैकेट में 2x + 3y, कुछ इस तरीके से लिखा है। ये 8x³, यहाँ पर 27y³। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, देखिए 18 का 2 से मल्टीप्लाई 36, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई x² वाई लिखा रहेगा। यहाँ पे 18 का 3 से मल्टीप्लाई 54, एक्स लिखा है तो एक्स लिखा रहने दीजिए, और वाई का मल्टीप्लाई y², तो ये आपका जो है आंसर आ जाता है। अब अगर आपके पास लिखा है a - b का होल ऑफ क्यूब, इसमें हर जगह माइनस लग जाता है, a³ - b³ - 3ab, ब्रैकेट में a - b। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 3x - 2y का होल ऑफ क्यूब करिए, तो 3x³ - 2y³ - 3, a की जगह पर 3x, b की जगह पर 2y, ब्रैकेट में a - b, यानी कि 3x - 2y। करिए, 3 का क्यूब क्या होता है? 27x³। 2 का क्यूब क्या होता है? 8y का भी क्यूब होगा, 3 3 = 9, 9 2 = 18xy, ब्रैकेट में आपके पास लिखा है 3x - 2y। चलिए अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जब हम लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं, तो 18 3 =
54, एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 18 टू द 36, एक्स का एक्स वाई का वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यह आपका आंसर आ जाता है। अब हमारे पास लिखा है ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, अगर आपके पास लिखा है 2x का क्यूब और यहाँ पे लिखा है 3y का क्यूब, चलिए करते हैं, एक ब्रैकेट में a, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3y, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि आपके पास आएगा 2x इंटू 3y। इस तरीके से करिए, एक ब्रैकेट में 2x प्लस 3y लिखा रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6xy, यह आपका आंसर आ जाता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए करते हैं एक एग्जाम्पल इसका, 2x का क्यूब 3y का क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x इंटू 3y, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये 2x माइनस 3y लिखा रहेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, y स्क्वायर 3 टू जा 6xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा हो a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक एग्जांपल करके देखते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल ऑफ स्क्वायर करके, तो पहले हम नंबर पे 2x का स्क्वायर करेंगे, फिर 3y का स्क्वायर करेंगे, फिर 4z का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए बी, यानी पहली वाली चीज 2x, दूसरी वाली चीज 3y प्लस 2bc, बी यानी कि दूसरी वाली चीज 3y, तीसरी वाली चीज 4z प्लस 2 इंटू ca यानी कि तीसरी वाली 4z इंटू पहली वाली 2x। चलिए करते हैं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16z का स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12 xy प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24yz। यहां पे आइए तो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16zx, यह आपका आंसर हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि लार्ज और स्मॉल कैसे पहचाना जाता है। जैसे आपके पास लिखा है 5/4 और यहां पर लिखा है 3/7, अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता चल रहा ना, तो यहां पर 4 लिखा है तो हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहां 7 लिखा है तो यहां ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं न्यूमिरेटर ऊपर वाले को, तो अब ये बड़ा है आपका क्योंकि ऊपर 35 बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन इस तरीके से हम लोग लगा देते हैं। आप लोगों ने बॉड मास का रूल तो पढ़ाई होगा, उसमें मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बता रहा हूं करने का, और आसान तरीका कुछ इस तरीके से होता है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर पॉजिटिव को, फिर निगेटिव को। एक एग्जाम्पल देके मैं दिखाता हूँ, अगर आपके पास लिखा है 20/10 इंटू 5+7 माइनस 3, तो पहले हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो 10 टू जा 20 इंटू 5+7 माइनस 3, 2 5 जा 10 प्लस 7 माइनस 3, 10 और 7 मिलकर 17 माइनस 3, 17 में से 3 गया तो कितना बचा 14, ये आपका आंसर हो गया। इसका एक और एग्जाम्पल देके आपको बताता हूँ। अगला एग्जाम्पल कुछ इस टाइप से है कि अगर आपके पास लिखा हो 20/10 मल्टीप्लाई 5+4 माइनस 3 और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हो 5 × 3+7, कुछ इस तरीके से, तो पहले हम लोग ये सब सॉल्व नहीं करते हैं, ये सब ऐसे लिख देते हैं 20/10 × 5+4 माइनस 3, यहां तक लिख देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 5 जा 15 और प्लस 7। अब हम लोग क्या करेंगे, 15 में 7 को ऐड करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसीलिए ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, तो 17
सॉरी 7 में 15 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 22। अब करते हैं हम लोग डिवाइड, तो 10 को डिवाइड, 10 से डिवाइड करेंगे 20 को, तो 2 आ जाएगा इंटू 5 प्लस 4 माइनस 3 इंटू 22। करिए मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 प्लस 4 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, 10 और 4 को ऐड कर लेंगे, 10 और 4 ऐड होके कितना आ जाता है 14 माइनस 66। अब इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैथ सेकेंड जो होती है उसका एक रूल होता है, अगर आपके पास लिखा है 5x/4 + 7 = 8, तो देखिए जो चीज इधर प्लस में है वो इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 8 - 7 हो जाएगा, 8 में से 7 गया कितना बचा 1 आपके पास। अब जो चीज डिवाइड में होती है वो इधर आती है मल्टीप्लाई में, यानी कि 5x = 1 * 4, 4 बन जा 4, और जो चीज इधर मल्टीप्लाई में लिखी होती है वो चीज इधर डिवाइड में आ जाती है, आपके पास आंसर आ जाएगा 4/5। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है तो जो चीज पहले डिवाइड में लिखी है वो इधर आएगी मल्टीप्लाई में, तो 7 2 जा 14, अब ये इधर माइनस का 3 है इधर आएगा तो प्लस का 3, तो 14 और 3 ऐड होकर कितना हो जाएगा 17। अब जो चीज इधर मल्टीप्लाई में लगी है 7 की मल्टीप्लाई में एक्स, वो इधर आ जाएगी डिवाइड में, यानी कि 17/7, और ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये ट्रिक्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो फोर्थ क्लास लेके 12th तक के बच्चे हों, इवन कंपटीशन क्लासेस के बच्चे, ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं इनमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनको। अब आपको मैं और एक छोटी चीज बताने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई, -3 का मल्टीप्लाई -5 से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 5 जा 15 हो जाता है, और 4 का मल्टीप्लाई -3 से होगा तो -+ -12 हो जाएगा। अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा होता है तो हम लोग प्लस का समझते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका मल्टीप्लीकेशन। अगर आपके पास लिखा है -3 - 6, अब देखो दोनों ही माइनस के हैं, दोनों एक ही कैटेगरी के आते हैं, तो ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, 6 3 9। अगर आपके पास लिखा हो 5 - 9 तो सब्ट्रैक्ट तो होना ही है, तो 9 में से 5 क्या बचा 4, लेकिन साइन जिसका बड़ा होता है, यानी कि जो जिस साइन का बंदा बड़ा होता है वही साइन लगाते हैं, यानी कि माइनस का 4 हम लोग यहां पर लगा देते हैं। एक और बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपने लिखा देखा होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो लिखा होता है इसको कहते क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 1/0, हमेशा आप याद रखिए इसकी वैल्यू होती है 1/0। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, कृपया चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।